हेलो एवरीवन आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा योर मैथ्स टीचर टुडे डे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज आवर चैप्टर नंबर थर्टीन ऑफ क्लास फोर द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट डियर स्टूडेंट व्हाट इज द मेजरमेंट व्हाट इज द यूनिट ऑफ टू फाइंड द मेजरमेंट लाइक दिस वे यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि इस हमारे पूरे चैप्टर में हम मेजरमेंट को लेकर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं कैसे हम मेजरमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन लेंगे और बिगर यूनिट कौन सा है उसके बारे में लेंगे इन इनका आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि भाई इनका रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं ये सब क्वेश्चन के आंसर हमें मिलेंगे हमारे इस चैप्टर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर न्यू पार्ट दैट इज़ पार्ट नंबर वन एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सो वट लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मेज़रमेंट करने के वो कौन से हैं हम उनके बारे में अच्छी खासी समझ बनाने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ए क्लास इन द क्लासरूम यू कैन सी द सीन येज़ ए टीचर एंड यू कैन सी द विशाल एंड शिवराज दोनों क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं टालस्ट हूँ विशाल कह रहा है नहीं मैं हूँ शिवराज कह रहा है नहीं मैं हूँ सो so, दोनों क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के चले जाते हैं टीचर के पास में और टीचर कैसे करती है उनका पता टीचर ये कहती है कि भाई ऐसे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा तुम में से टॉल है कौन सा तुम में से हाँ हम कहें स्मॉल या जो कम हाइट वाला है ऐसा कुछ अब इसके लिए पता कैसे करें क्योंकि देखो क्या होता है जब ये एक दूसरे को देखते हैं ना तो ये क्या करते हैं नहीं यार मैं तो इससे टालूँ है ना ऐसा कुछ करते हैं बट जब थर्ड पर्सन इन्हें ऑब्जर्व करता है ना तो वो इजीली फाइंड कर सकता है हम जब इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं अरे भाई ये तो देखो ये वाला स्मॉल है ये वाला टाइल है हमें सब पता कर पा रहे हैं ना है ना इसकी हाइट थोड़ा डाउन है उसकी हाई है तो हम ये सब चीज़ें देख के पता कर पा रहे हैं बट इन दोनों को हमें सेटिस्फाई करना होगा और वो कैसे करेंगे वो हम करेंगे थ्रू द स्केल अब स्केल होता क्या है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दिस इज़ ए स्केल स्केल इज एन हम कह सकते हैं स्केल इज ए इक्विपमेंट थ्रू विच वी कैन फाइंड द लेंथ हम इसके थ्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं अब स्केल की भी अगर हम बात करें तो स्केल के जो मेज़रमेंट यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कहीं हमें फ़िट्स देखने को मिलेगा कहीं हम मीटर्स की बात कर सकते हैं कहीं सेंटीमीटर की बात करेंगे कहीं मिली मीटर लाइक दिस वे हम इन सब टाइप्स के स्केल्स को देख पाएंगे तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है फिट वाला स्केल अब जब हमने क्या किया विशाल को बोला कि भाई आप यहां स्टैंड करो तो उसने स्टैंड किया एट द स्टार्टिंग पॉइंट सो हमने देखा कि वो कितना फिट इंडिकेट कर रहा है फोर फिट यू कैन सी ना फोर फिट कर रहा है ठीक है शिवराज को जब हमने सेम स्केल पे स्टैंड किया वन टू थ्री फोर देन वन टू थ्री फोर फाइव सो फोर पॉइंट फाइव फाइव एंड फोर का मिडिल पॉइंट पे वो है यानी कि फोर पॉइंट फाइव फिट का वो है सो so, वो क्या कह रहा है वाओ आई देन विशाल ओके सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थ्रू द मेजरमेंट यूनिट्स थ्रू द इक्विपमेंट्स वी कैन फाइंड द लेंथ लेंथ का पता कर पाते हैं सो so, यहां पे हमें ये भी समझना होगा कि जो स्केल था जिसको कि हमने क्लास टू क्लास थ्री में ऑब्जर्व किया था स्केल का यूज कैसे करते हैं आप भी अपना स्केल निकालिए जब आप स्केल निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि स्केल पर हम ये देखेंगे कि कई सारे लाइन ड्रॉ किए होते हैं ये लाइंस क्या मैसेज देते हैं कैसे हम ये पता कर पाएंगे कि भाई कोई कौन सा वाला किसकी हाइट कम है किसकी हाइट ज्यादा है कौन लेंथ में बिगर है कौन लेंथ में स्मॉल है ये सब चीज़ें हम कैसे फाइंड कर पाएंगे थ्रू द ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं बट ये हो कि जो सेम्स हो यानी बिल्कुल ऐसा हमें देखने में सेम सी लाइनें लगें तो हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे अब ये दोनों एक ही रो में है ही लाइन में है तो हम इजीली पता कर पा रहे हैं भाई ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला बिगर दिख रहा है ये स्मॉल दिख रहा है ऐसे पता कर पा रहे पर अब हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें कैसे कंपेयर करें इनका जो और भी हम इसे इक्वली सा बना देते हैं अब कैसे कंपेयर करेंगे अब तो हमारे लिए काफ़ी टिपिकल हो गया ना सो so, इस चीज से बचने के लिए मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की तो सबसे पहला इक्विपमेंट जिसे हमने क्लास टू क्लास थ्री में भी देखा था दैट इज अवर स्केल तो चलिए एक बार स्केल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्केल सभी को दिख रहा है ठीक है स्केल की अगर हम बात करेंगे टू साइड्स हमें इसमें लाइंस ड्रॉ दिखती हैं वन साइड इज इन वाली होती है एंड अनदर साइड्स की बात करेंगे जिसका हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं इस चैप्टर में वो होती है हमारी सेंटीमीटर साइज यू कैन सी ना सेंटीमीटर साइज़ सो so, सेंटीमीटर साइज़ की हम बात करें तो जीरो से स्टार्ट हो रही है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये स्मॉल साइज़ यहाँ तक हम देख पा रहे हैं नाइनटीन uh, तक इससे बिगर भी होते हैं फिफ्टीन वाले भी होते हैं थर्टीन वाले भी होते हैं स्केल साइज टाइप्स के होते हैं वेरियस टाइप्स होते हैं इनके सो so, इस वाले में हम देख रहे हैं था जीरो है क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हम जीरो वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ का मेज़र करना है तो और वहाँ से हम चलेंगे ना तो यहाँ तक जब पहुँचे कितना हुआ भाई ये हमें वन सेंटीमीटर हो गया टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर लाइक दिस वे हम काउंट कर सकते हैं और पता कर पाते हैं बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या है एक बार देखो ये रहा हमारा आराम से स्केल को हम देख पा रहे हैं एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ फिर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं जैसा कि हमने इसको अभी किया ठीक है स्टूडेंट्स पे जब हम देखेंगे तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्केल और फिर उसके बाद में हम मूव करते जाएंगे जैसे जैसे हमें लेंथ की नीडेड होगी ठीक ऐसा कुछ चलो अब देखो सर इसमें हमें दो सेक्शन दिख रहे हैं कौन कौन से सेक्शन दिख रहे हैं एक लार्जेस्ट सेक्शन दिख रहा है ये वाला लार्जेस्ट सेक्शन दिख रहा है ना सभी को ये यहाँ से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये हमारा लार्जस्ट सेक्शन है कॉम्बिनेशन शो हो तो uh, so होता है जैसे कि देखो, कितना टेन लाइन का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है यहाँ बिल्कुल क्लियर हम देख पा रहे हैं सो so, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो जीरो से वन के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो कितना शो हो रहा है हमें टेन का हो रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा कॉम्बिनेशन शो हो रहा है वो टेन का हो रहा है कितना हो रहा है टेन का अब ये टेन है क्या चीज़ ये भी हमें पता होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं वन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ मिडिल में टेन का दिख रहा है तो इस चीज़ को अगर हम समझे ना तो देखो सीधा सीधा चले जाओ सीधा एंड शॉर्ट इसका फंडा क्या कह रहा है इसका फंडा कह रहा है कि अगर वन लार्जर सेक्शन है देन यू कैन से दैट इज़ वन सेंटीमीटर सो वॉट इज दिस दिस लेंथ काउंटिंग एज सेंटीमीटर एंड वन स्मॉल सेक्शन इज वन मिलीमीटर एम एम सो ये वाला जो सेक्शन है वो वन एम एम का सो so, अगर हमसे कोई आस्किंग करता है कि वन सेंटीमीटर में कितना एम mm एम होता है काउंट किया था ना हमने भाई यहां से यहां तक जाना है तो कितना एम mm एम चलना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो वी कैन से वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एम एम मिलीमीटर क्लियर क्लियर हो गया ना ये वाली चीज ओके यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टेन एम एम इज कॉल्ड वन सी एम ओके क्लियर चलो तो ये वाला चीज बिल्कुल क्लियर हो गया दो तीन बेसिक चीज़ें देख लो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा जीरो से मेजर स्टार्ट करना है और उसके बाद में हम करेंगे ये वाला कंप्लीट सेक्शन क्या होगा ए, वन सेंटीमीटर ये वाला कंप्लीट सेक्शन क्या होगा टू सेंटीमीटर और ये जो लाइन्स होंगी इन्हें हम एम mm एम कहेंगे यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला कुछ ऐसा मैंशन किया गया है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है टू सेंटीमीटर एंड टू एम एम क्लियर क्लियर हो गया ना ये सब चीज़ें ओके okay? चलो अब मूव कर लेते हैं हम कुछ लेंथस को लेकर के जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था अगर आप मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जैसे टिप ऑफ द पेंसिल हम देख पा रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जीरो ठीक है और जीरो से हम अगर मेजरमेंट लेना चाहें यहाँ हो गया वन सेंटीमीटर ये टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव एंड सिक्स आफ्टर वन मोर सो सिक्स पॉइंट वन सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल आ रहा है क्लियर समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा है स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे फ्रॉम द ज़ीरो करेंगे और हम पूरा मेजरमेंट फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो चलिए इसके बाद में हम कुछ लेंस को देख कर डिस्कस करते हैं देखो फॉर एग्जाम्पल स्केल हमारा दिख रहा है और हमने बेसिक लाइन किसको बनाया है जीरो को बनाया है ये रही है हमारी बेसिक लाइन अब बेसिक लाइन की बात कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द ज़ीरो हो रही है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द स्केल ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी बस ये चीज़ ध्यान रखना अगर हम इस वाले की लेंथ की बात करें तो ये देखो कहाँ जा टच कर रही है थ्री पे कर रही है सो कितना मेंशन किया थ्री सेंटीमीटर इस वाले की बात कर लेते हैं ये फाइव पे सो ये देखो ये फाइव सेंटीमीटर पे ये वाला सेवन को इंडिकेशन दे रहा है तो भी मेंशन दिया सेवन सेंटीमीटर एंड एट लास्ट यू कैन सी द नाइन सो वी मैंशन देअर नाइन सेंटीमीटर आल्सो सो लाइक दिस वे वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्केल एट द जीरो पॉइंट एंड नाउ दैट वी कैन काउंट द होल नंबर्स दैट आर इंडिकेट एज आवर सेंटीमीटर एंड द स्मॉल पोर्शन लाइक वी से दैट आर आवर एम ओके सो कितना सेंटीमीटर कितना एम mm एम है हम इजिली स्केल से फाइंड कर सकते हैं

एंड जैसवीनो वन लार्जर सेक्शन वन सेंटीमीटर वन स्मॉल सेक्शन वन एम एम सो वन लार्जर एंड मोर लार्जर टू सेंटीमीटर का ही हमारा स्केल हो गया स्मॉल सेक्शन की हमें नीड नहीं पड़ी तो हमने इजिली से फाइंड कर लिया देखो इसके बाद में वो मेजर एर एंड राइट डर लेंथ इन फ्रंट ऑफ दैम सो ये वाली हमारी एरो है हम इसका मेजरमेंट देखेंगे और इसके सामने हम इसकी लेंथ को रखने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट देख लू जीरो से स्टार्ट किया है टिल सिक्स तक ये कंप्लीट कर रही है सो वी कैन इजीली मेंशन देयर सिक्स सेंटीमीटर हमारे पास होल बॉक्सेस है और हम कह रहे हैं स्मॉल सेक्शन का यूज हमने किया ही नहीं यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी नहीं पड़ी ना चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अनदर एरो की सो so ये भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा जीरो रहेगा और यहां हम देख पा रहे हैं टिल नाइन तक ये मूव कर रहे हैं सो so इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा नाइन सेंटीमीटर क्लियर बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ द स्केल शोज सेंटीमीटर एंड अपर साइड यू कैन सी द इंचिज अबाउट द इंचज वी किल नो अबाउट इन अवर इन अवर नेक्स्ट क्लास दैट विल बी इन क्लास फाइव हम क्लास फाइव में इसके बारे में बात कर लेंगे बट यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होगा और नाइन्थ पर हम स्टॉप कर रहे हैं तो इस पूरे एरो की जो लेंथ निकल करके आएगी वो हमारी नाइन सेंटीमीटर होगी ठीक है चलो इसके बाद में नेक्स्ट एरो देखते हैं ये वाले एरो की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो जीरो ओके एंड वी विल टॉक अबाउट तो ये दाइव तक जा रहा है सो so, इसका जो लेंथ होने वाला है वो होगा हमारा फाइव सेंटीमीटर ठीक है चलो इसके बाद में यहां फिर से अनोदर एरो है और इसकी बात करें स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन सी द जीरो, एंड द एंडिंग पॉइंट इज सेवन सो फाइनली द मेजरमेंट ऑफ द एयर विल बी सेवन सेंटीमीटर चलो

वन टू थ्री फोर फाइव सेक्शन स्मॉल फाइव सेक्शन एंड फाइव सेक्शन क्या है जो स्मॉल फाइव सेक्शन है वो हमारा होता है एम mm. एम यानी कि हम कह सकते हैं फाइव एम mm एम ऑल्सो so, सो यहाँ पे हो गया एट सेंटीमीटर एंड फाइव स्मॉल सेक्शन अब फाइव स्मॉल सेक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल सेक्शन कितना होता है भाई एक लार्जर सेक्शन में यहाँ पे टेन होता है सो इन फ्रैक्शन हमने देखा था एट होल नंबर है फाइव अपॉन टेन हो गया एज ए फ्रैक्शन फॉर्मेट इन शॉर्ट हम इसको अगर रिड्यूस करते हैं तो वन अपॉन टू आता है हमने हमारे फ्रैक्शन चैप्टर नंबर ट्वेल्व में ये सब अच्छे से लर्न कर लिया था सो so, हम ये कह रहे हैं एट तो कंप्लीट सेंटीमीटर है एंड हाफ सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर यू कैन इंडिकेट एज फाइव एम एम सो इन शॉर्ट वी राइट देयर एट सेंटीमीटर एंड फाइव एम एम और एट पॉइंट ना कैसे हम लार्जर सेक्शन और स्मॉल सेक्शन का यूज करते हैं भाई लार्जर सेक्शन कहता है कैन इजीली से आई एम सेंटीमीटर कंप्लीट सेंटीमीटर इफ यू है स्मॉल सेक्शन दे आर इंडिकेट एज योर एम एम लेंथ यूनिट तो वो एम एम लेंथ यूनिट है तो हम उसको क्या कर रहे हैं उसको एज इट इज़ मैंशन कर रहे हैं या फिर डॉट दे करके हम उसको सी एम कन्वर्ट कर सकते हैं इजी इजी ठीक है easy, easy, चलो अब सी एम कन्वर्ट करने का मतलब क्या है यहाँ देखो एम mm को अगर आप सीएम बनाने की ट्राई कर रहे हो ना तो टेन से डिवाइड कर रहे हो क्या कर रहे हो टेन से डिवाइड कर रहे हो तो इन शोर जो रिजल्ट कैसे हो गई देखो अच्छे से इसको समझ लेना ये हमें आगे तक बहुत काम आने वाला है जीरो टू वन ये क्या सेक्शन है सेंटीमीटर सेक्शन है और यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन है ना अब हम बात करें वी कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर अगर ये वन सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर कितना होगा टेन होगा भाई कैसे फाइंड किया वन मल्टीप्लीकेशन बाई द टेन क्योंकि इसके टेन पोर्स है टेन पोर्स है सो टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मिलीमीटर वी मल्टीप्लाई इट विद टेन क्लियर हुआ अब हम क्या कर रहे हैं टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर वी डिवाइड विद द टेन कैसे देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर करना है ग्रुपिंग करना है तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एम एम ए अब इसको सेंटीमीटर बनाना है डिवाइड किया टेन से कितना आया वन सेंटीमीटर आ गया ना हमारा सीधा सा निकल करके तो ये बात ध्यान रखना अगर हम बिग टू स्मॉल आ रहे हैं बिग टू स्मॉल आ रहे हैं बिग टू स्मॉल आ रहे हैं तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और अगर हम स्मॉल टू बिग जा रहे हैं देन डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा समझ लो सी एम टू एम एम रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाई टेन और एम एम टू सी एम रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड बाई द टेन सो डी स्टूडेंट दिस वॉज अवर पार्ट वन दिए वी विल ट्राई टूट अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर ऑफ़ द लेंथ यूनिट्स यानी जो लेंथ की बेसिक यूनिट्स थी उनको लेकर के हमने ये देखा कि कैसे ये मेजरमेंट में हेल्प करती हैं क्या पोर्शंस कहता है स्केल क्या मैसेज देता है स्केल को हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ का मेजर कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमने फाइंड कर लिए हमारे इस पार्ट में एंड आई होप आपको ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप जो मेजरमेंट का बेसिक क्शन है उसको अब ग्रेसअप कर चुके हैं सो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू